गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बी हाइव्स की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। सड़क जो नहीं ली गई, रोड नॉट टेकन। रोड मीन्स सड़क, नॉट मीन्स नहीं, और टेकन बने ली गई, जो कि रिटन बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको पहले हम इसके बारे में इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन इसके बाद में मैं आपको इसके बारे में हिंदी में आपको बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे सभी। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड चॉइस दैट सेव्स अस। यह एक प्रसिद्ध कविता है जो कि चुनाव करने के विषय में, चॉइस, चॉइस का मतलब ही है चुनाव करना, तो यह कविता जो है चुनाव करने के विषय में है, और चुनाव भी इस प्रकार का जो कि हमें कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए बनाता है। हम जो हैं, हम सभी मनुष्य जो हैं, वो चुनाव करने में कन्फ्यूज़न में होते हैं कि यहाँ जाएं, नहीं जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, तो इस प्रकार की दुविधाओं भरी स्थिति हमारे मनुष्य जीवन के अंदर उत्पन्न होती है। तो हमें इस दुविधा भरी स्थिति से बाहर निकलना है और एक निश्चित करना है कि हमें क्या करना है, ये हमारा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो इसी के बारे में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें ये बताया है कि हम एक दृढ़ निश्चय करके चलें कि हमें क्या करना है, और फिर उसके बाद अपना कदम आगे बढ़ाएं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इनसिग्निफिशेंटली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कैसे कवि हैं, एक अमेरिकन कवि हैं, जो कि जिन्होंने इस पोएम को जो लिखा है बहुत ही सिंपली वे में लिखा है, यानी बहुत ही एक साधारण भाषा में उन्होंने इस कविता को, इस पोएम को लिखा है। एंड कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, लेकिन सामान्य और साधारण अनुभव, कॉमन मीन्स सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ अतिरिक्त अनुभवों के साथ एक बहुत ही गहन जानकारी रखते हुए उन्होंने इस पोएम को लिखा है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई। यानी नहीं ली गई का मतलब है कि सड़क, जिस सड़क को काम में नहीं लिया गया हो, जिस सड़क पर किसी व्यक्ति के द्वारा चला ही नहीं गया हो, उसके बारे में उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह पोयम, यह कविता लिखी है। तो अब मैं आपको सबसे पहले इस पोयम का इंग्लिश में आपको मैं स्टेंजा पढ़ करके बताती हूँ, देन इसके बाद अपन वन बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके इसको हिंदी में अर्थ जानने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड टू वेयर आई बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब इसमें ये दिया कि टू रोड बनी हुई हैं, दो सड़कें हैं जो कि डाइवर्ज हैं, डाइवर्ज मैंने विभाजित होना, टू रोड्स हैं, दो सड़कें हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में विभाजित होती हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर उनका रास्ता जाता है। इन ए येलो वुड, येलो वुड मीन्स हो गया कि पतझड़ भरे इस मौसम के अंदर वो जो रास्ता जाता है वो दोनों अलग अलग विभागों में विभाजित है, तो हमें किस तरीके का रास्ता चुनना है इसके बारे में हमें कवि बताती हैं, और वह कहती हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख है, सॉरी मुझे बहुत ही दुख है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, दोनों सड़कों पर मैं एक साथ नहीं चल सका। अगर हमें चलना है तो हम एक साथ एक ही सड़क पर जा सकते हैं, दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं जा सकते। तो कवि ये खेद
अभिव्यक्त करते हैं, वो ये अफसोस करते हैं कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों सड़कों पर कभी भी एक साथ नहीं चला हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, एक अकेला यात्री था। बिकॉज आई बी ए वन ट्रेवलर, क्योंकि एक मैं ही एक केवल मात्र ऐसा यात्री था जो कि लॉन्ग आई स्टूड, जो कि मैं बहुत देर से खड़ा था। लॉन्ग बने लंबे समय तक और स्टूड बने खड़ा था, क्योंकि केवल मात्र एक मैं ही अकेला यात्री था जो कि बहुत देर तक खड़ा था। टू वेयर आई वेंट इन अंडर ग्रोथ, और वेयर बने जहाँ पर, बेंट मने हो गया मुड़ा हुआ होना, मुड़ना, रास्ते का मुड़ना। इन अंडर ग्रोथ, इन अंडर ग्रोथ का मतलब हो गया घनी झाड़ियाँ व पौधे, घनी झाड़ियाँ व पौधे। तो इसमें उन्होंने, कवि ने ये कहा है कि उनमें से एक को जहाँ तक नज़र गई, उनमें से एक सड़क, एक वह रास्ता जहाँ तक मेरी नज़र गई, वहाँ तक मैं क्या करता रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुकड डाउन, लुकड मैंने देखना, जहाँ तक मेरी नज़र और दृष्टि गई, उस एक सड़क को, उस एक रोड की ओर मैं देखता रहा। एज फार एज आई कुड, एज फार एज मैंने जितनी दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी, उतनी दूरी तक मैं उस एक ही सड़क को अपनी दृष्टि से देखता रहा। टू वेयर आई बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक कि यह घनी झाड़ियों व पौधों में नहीं मुड़ गई। बेंट मने मुड़ जाना, रास्ता जो है वो घुमावदार होकर के मुड़ नहीं जाता है। अंडर ग्रोथ मने घनी झाड़ियों व पौधों की ओर वह रास्ता नहीं मुड़ जाता है, तब तक मेरी केवल मात्र वह दृष्टि एक ही ओर, एक ही सड़क के मार्ग की ओर मेरी दृष्टि बनी रही। देन अब अपन सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे, जिसको कि पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताती हूँ, देन इसके बाद इसे अपन हिंदी में इसका अर्थ बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज It was grassy, it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. हाँ, तभी फिर कभी कहते हैं कि then just the other, just as fair. फिर में, फिर तभी क्या होता है, कभी ये कहते हैं कि फिर मैंने दूसरी सड़क को प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। देन टुक, टुक मने मैंने लिया, काम में लेना, यूज में लेना, उपयोग में लेना। द अदर, अदर मीन्स वह दूसरी, वो सड़क, एज फेयर, जो कि ठीक उतनी ही अच्छी थी। एज फेयर मने फेयर मने अच्छा होना, तो मैंने उस दूसरी सड़क को काम में लेना प्रारंभ किया, जो कि जस्ट एज फेयर, वो भी उतनी ही अच्छी थी जितने कि मेरे द्वारा पहली वाली सड़क को मेरे द्वारा काम में लिया गया था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जितनी और शायद, परहैप्स मने और शायद, द बेटर क्लेम, बेटर मने बहुत अच्छा, और क्लेम मीन्स क्या होता है, दावा करना, आधिपत्य जमाना, अधिकार जमाना। तो कवि कहता है कि इन हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरी वाली, यानी मेरे द्वारा अब जो दूसरी रोड अर्थात सड़क, जिसका कि मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिस पर मेरे द्वारा चला जा रहा है, मैं चहलकदमी कर रहा हूँ, शायद वह सड़क जो है उसका प्रयोग किया जाने का और अधिक अच्छा वह दावा रखती है, और अधिक वह अच्छा उस पर चलने का अधिकार रखती थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों? क्योंकि यह ग्रासी थी, ग्रासी मैंने हरी भरी,
घास से भरे हुए होना। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर माने प्रयोग में जिस सड़क को काम में लिया गया, चल करके काम में लिया गया, और वॉन्टेड वियर जो कि काम में लिए जाने के कारण वह सड़क जो थी वह घिस जाना चाहती थी। जब हम रोड पे चलेंगे, कंकड़ पत्थर जो भी होंगे या रोड जो बनी हुई होगी उस पर हम चहलकदमी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी घिस पिट जाएगी, अर्थात वो खुरदरी सी होने लग जाएगी। तो कवि यही कहता है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों, क्योंकि यह ग्रासी हैं, हनी हरी भरी घास से परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं, और वह यह चाहती थी, वॉन्टेड वियर माने, और वह यह चाहती थी कि उसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए जिससे कि वह अधिक घिस जाए, खुरदरी हो जाए। दो एज फोर देर द पासिंग देयर, दो माने यद्यपि वहाँ से व्यक्ति जो भी वहाँ से निकलता है, जो भी व्यक्ति उस सड़क का उपयोग करता है, काम में लेता है, वहाँ से निकलता है कि बात करते हैं उस व्यक्ति की, अगर हम बात करते हैं पासिंग देयर, पासिंग देने माने वहाँ से, उस सड़क से गुजरना, वहाँ से निकलना, जो भी उस व्यक्ति को उस सड़क को व्यक्ति काम में लेता है, तो हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, बात करते हैं तो दोनों लगभग क्या है, अबाउट द सेम, दोनों लगभग सेम ही हैं, दोनों बिल्कुल समान ही रूप से घिसी पिटी हुई हैं, अर्थात हमारे द्वारा काम में ली गई हैं। तो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा अपन पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टीप हैड ट्रोडन ब्लेक ओ आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनादर डे येट knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back and both that morning equally lay माने फैली हुई है, equally माने समान रूप से, और both माने दोनों, दोनों रोड, दोनों रास्ते जो हैं वो समान रूप से फैले हुए हैं। इसमें ट्रोडन वर्ड आया है, ट्रोडन का मतलब होता है पैर द्वारा चल करके बार बार उस सड़क को कुचल दिया जाना। लीड्स सेकंड वर्ड आया था, इसमें अपन ने लीड्स वर्ड पढ़ा था, लीड का मतलब होता है आगे की ओर रास्ते का जाना, और डाउटेड मीन्स होता है संदेह भरी स्थिति में होना। तो अब अपन इसका अर्थ जानने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और बड़ी गंभीरता और धैर्य के साथ हम इसका अर्थ सुनेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो दोनों ही रास्ते मॉर्निंग प्रातःकाल के समय में, सुबह के समय में, इक्वली, इक्वली माने समान रूप से, ले माने फैली हुई थी, और प्रातःकाल के समय वो दोनों ही रास्ते मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लेक, लीव्स मने पेड़ पौधों की पत्तियाँ, नो स्टेप, स्टेप मने कदम रखा जाना, तो पत्तों को किसी पेड़ ने रोंद कर काला नहीं किया था, स्टेप मने कदम का चलना, सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर चलना, जहाँ पर की पेड़ पौधे भी हैं, जिनकी पत्तियाँ भी उन पे पेड़ पे सड़क पे गिरी हुई हैं, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन पत्तों को रोंद कर काला नहीं किया गया है। ट्रोडन मने कुचल दिया जाना और ब्लैक मने काला कर दिया जाना, यानी लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं, अगर सड़क में गिरी हुई होती हैं उस पर हमारे द्वारा चहलकदमी की जाती हैं, जब हम उस पे चलते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, रोंद करके जब हमारे पाँव से कुचल दी जाती हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक, अर्थात काला हो जाता है। तो कवि यह कहना चाहता है कि पत्तों को किसी पेड़ ने रोंद कर काला नहीं किया था, अर्थात उस रोड पर और इससे पहले किसी के द्वारा चहलकदमी नहीं की गई थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, अरे मैंने पहली सड़क
किसी अन्य दिन चलने के लिए रख ली। ओह आई केप्ट, केप्ट मैंने रखना। द फर्स्ट फॉर अनादर डे, यानी पहले वाली जो सड़क जो थी जो मेरे द्वारा चुन ली गई, किसी अनादर डे यानी किसी अन्य दूसरे दिन के लिए वह पहले वाली सड़क मेरे द्वारा रख ली गई थी। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स बने आगे की ओर जाना और वे बने रास्ता। फिर भी, येट बने तो भी, फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता कैसे आगे से आगे निकलता जाता है। नोविंग मने जानना, हाउ मने कैसे, वे मने रास्ता और लीड्स ऑन टू वे आगे की ओर, आगे कैसे रास्ता चला जाता है, कैसे चला आगे बढ़ता जाता है। आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउट इट, मुझे, मैं पूर्ण रूप से संदेह से भरा हुआ हूँ। डाउट मने संदेह की स्थिति में होना, मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर, एवर मने कभी, कम बैक यानी वापस आना, कम मने आना और बैक मने वापस। तो कवि कहता है कि मुझे संदेह हुआ कि कभी मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। नेक्स्ट स्टेंज अपन पढ़ेंगे, आई सेल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एज एंड एज हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। एस आई जी एस साई, साई मने आह भरना, जो अंदर से हमारे मन के अंदर से एक आहा की स्थिति का निकलना, यानी आहा भरी दुख भरी स्थिति का अंदर से एक भाव का निकलना। हैंस, हैंस मने आगे, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मने अंतर होना, है ना। तो अवश्य अपन इसका अर्थ हिंदी में जानने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आई सेल बी टेलिंग दिस विद अ साइन, मैं कभी युगों युगों तक यानी काफ़ी काफ़ी समय बाद एक आह भरकर यह सब बता रहा होऊंगा। टेलिंग, टेलिंग मने बताना। आई सेल बी टेलिंग, मैं, सेल मने आगेगी और बी मने होऊंगा। आई सेल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा दिस विद अ साइन, विद मने साथ, साई मने एक आह भर के, मैं बता रहा होऊंगा। समवेयर, समवेयर एज एंड एज, एज एंड एज मीन्स युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक, काफ़ी काफ़ी समय तक। तो मैं काफ़ी समय तक आह भर के, अर्थात युगों युगों तक आह भर के यह सब बता रहा होऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, टू रोड्स यानी वो दोनों सड़कें, डाइवर्स मीन्स विभाजित होती हैं, इन ए वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड देट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। कि जब दो सड़कें, टू रोड्स डाइवर्स, कि जब दो सड़कें, वुड बने जंगल, सड़कें जंगल में पहुँच कर डाइवर्स हो जाती हैं, जंगल में पहुँच करके दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर दोनों सड़कें जाने लगती हैं। तब आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तब मैंने लिया, आई मने मैंने, टुक मने लिया, वन लेस, वन मने वो एक सड़क का मैंने उपयोग किया, मैंने निश्चय किया, लेस मने बहुत ही कम, और ट्रेवल्ड जिसके ऊपर यात्रा की गई हूँ, ऐसी रोड का, ऐसी सड़क पर चलने का मैंने निश्चय किया। एंड देट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस ही ने यह सब अंतर मेरे जीवन में स्थापित कर दिया, मेड मने बना दिया, मुझे इस लायक बना दिया। ऑल द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मने ये सारी विभिन्नताएं, ये सारे अंतर जो कि मेरे जीवन में आए, उसने क्या करा, उस सभी ने, उन सभी ने यह सब अंतर मेरे जीवन में क्या कर दिए, मेरे जीवन में वो सारे अंतर जो हैं उतार दिए। अर्थात अब कवि का कहना है कि आपके द्वारा,
पोइट का ये कहना है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय ही आपके भविष्य और जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कई तो इसके माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमारे ये जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनके कहने का तात्पर्य यही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके का कार्य करना है, क्या डिसीजन लेना है और भविष्य में आगे हमें क्या करना है। जब तक कि हम पूर्ण रूप से अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पाएंगे और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन कवि का कहना है कि हम अपने जीवन को, हम अपने भविष्य को अच्छा बनाएं और अच्छा बनाने के लिए वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो हमें ये प्रेरणा करते हैं कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले सुदृढ़ हो जाएं, पहले से अपन डिटरमाइन हो जाएं, दृढ़ निश्चय हमें कर लें कि हमें क्या करना है और उस दृढ़ निश्चय को करने के बाद आप उस पर पूर्ण रूप से अपने आप को मन में पूर्ण रूप से डिटरमाइन होकर के आगे बढ़ें तो आपका पूर्ण रूप से आप सफल होंगे और आपका अपना भविष्य और जीवन जो है वो अच्छा और बुरा जो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। बच्चों, आज जो हमने बिहाइव्स की जो फर्स्ट पोइम पढ़ी, द रोड नॉट टेकन, मैं आशा करती हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में अब आ गई होगी। तो मैं ये आशा और उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करें तो आप जरूर ही आगे सफल होंगे और उन्नति करेंगे। तो इसलिए आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और आगे उन्नति करें।